3 दिन गुजरे हैं तो ये ना दूध पे बैक लगाना शुरू हो गई है। हालांकि होना ये चाहिए था कि जानवर जो आया है मंडी से 12-13-14-15 लीटर दे रहा है, उसने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना होता है, लेकिन क्या वजह है ये फिर मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि ये फैसला आपके डॉक्टर ने करना है। कई लोग बातचीत करते हैं, रब्ता करते हैं, दवाई रखनी है, कितनी रखें, कैसे रखें। जब मैं कहता हूँ कि ये फैसला आपके डॉक्टर ने करना है, 99.998% फार्मर आए कहते हैं कि हमारे डॉक्टर को तो आता ही कुछ नहीं है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता, आप लोगों को अपने डॉक्टर्स पे एतमाद करना चाहिए। इसी तरह एक गाय थी हमारे पास, उसने हमें पीक प्रोडक्शन दी 45 दिन पे जाके, ठीक है। तो ये जितना जो है ना ब्लड वेरी करता है, जेनेटिक्स वेरी करती है, लेकिन आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर वकास साहब। माशाल्लाह ये सारे जानवर कैसे दिखाइएगा सर, ये मंडी से खरीदे गए हैं और इन जानवरों की माशाल्लाह यहाँ पे तैयारी हो रही है और सारे जानवर माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने ये कुछ 4 जानवर निकाले हैं जी। अब ये 4 जानवर जो निकाले गए हैं, ये डॉक्टर साहब की ऑब्जर्वेशन है, जो इन्होंने इन जानवरों को पकड़ लिया, इनको इन सारे जानवरों से अलग कर लिया। अब ये आज पकड़े गए हैं तो इंशाल्लाहुल अजीज इनके ऊपर काम होगा और ये बहुत जल्दी रिस्पांस भी देंगे। अगर इनको पकड़ा जाता 8 से 15 दिन बाद तो फिर इनका कुछ नहीं हो सकता था। याद रखिएगा कि एक ना मुहावरा है इंग्लिश का, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है जी। अब इसको उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू साड़ी मेरा माड़ी नहीं जरा। मैं तो मुहावरा इंग्लिश पहली बार सुने। मतलब इसका आम अल्फाज में कह लें कि जो आप चीज टाइम पे कर लेते हैं ना, उसका बाद में अगर आप वो कर भी लेना तो उसका वो फायदा नहीं होता। इतना कह लो सर, बेले दी नमाज तक बेले नहीं टकरा। हाँ, ये हम सब पंजाबी सालों नहीं आती। अच्छा, अब है मसला ये है, ये जो पहली गाय खड़ी है इसकी थोड़ी सी बछड़ानी खराब हुई है, तो इतने मसले वाली बात नहीं है। अभी इसको दवाई रख देंगे, ये तो क्लियर है इंशाल्लाह। और माशाल्लाह ये 17-18 लीटर दूध कंडे का दे रही है सर। इसके 3 थन है, ये 3 थनों से कंडे का 17-18 किलो दूध दे रही है। इसका बच्चेदानी का थोड़ा सा मसला रह गया, ये इंशाल्लाह अभी हम क्लियर कर देंगे। इसके लिए आप डॉक्टर साहब से रब्ता भी कर सकते हैं लेने के लिए। ये जो गायें खड़ी हैं, ये वाली गाय खड़ी है, ये गाय खड़ी है और ये तीसरी ये गाय खड़ी है, इन तीनों के बारे में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब ये मंडी से आई हैं तो इन्होंने दूध अच्छा दिया, ठीक है जी, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन गुजरे हैं तो ये ना दूध पे बैक लगाना शुरू हो गई है। हालांकि होना ये चाहिए था कि जानवर जो आया है मंडी से 12-13-14-15 लीटर दे रहा है, उसने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना होता है, लेकिन क्या वजह है कि ये जानवर बैक लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अपने तौर पर इनको कैल्शियम मल्टीविटामिन सारे दे दिए हैं। आज 2 काम हम आपके सामने करेंगे, आपने भी करने। एक तो इनको अंदर से इन सारे जानवरों की बच्चेदानी को चेक करेंगे, देखेंगे क्या मसला है क्या मसला नहीं है, और उसके बाद इनका हम सर्फ टेस्ट करेंगे आप लोगों के सामने, ठीक है जी। जानवर जो है खाना पीना उनका ठीक है, ऐसा खाने पीने का मसला नहीं है, लेकिन देखना ये है कि हमने इससे प्रोडक्शन कैसे लेनी है। बेटे आओ जरा सर, इसको पढ़ो जरा। डॉक्टर साहब ये कितना दूध कर रही है जी अभी? सर ये तकरीबन कर रही है 13-14 कर रही है जी। और आप चाहते हैं कि ये 20 लीटर पे 20 लीटर इसको मिनिमम सर, इसको 20 लीटर तो करना चाहिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब इसको कितने दिन हुए हमारे पास आए को? सर इसको तकरीबन 10 दिन हो गए होंगे। 10 दिन हो गए हमारे पास आए को। अभी देखना ये है इसकी अंदर से सूरत हाल क्या है। डॉक्टर साहब सिंगल डोज रखनी है इसको ऑक्सी की, बच्चेदानी का मसला इसका नहीं है, बच्चेदानी इसकी तकरीबन क्लियर है। एक सिंगल डोज मुझे आप ऑक्सी की ला दें। अब ये इसकी मैंने अंदर से बच्चेदानी चेक कर ली है। एक चीज़ नोट करें, ये सबसे पहले जानवर का ना गोबर चेक कर लिया करें। जानवर के रेक्टम में जो गोबर मौजूद है उससे हम जानवर के मैदे की सूरत हाल का अंदाजा लगा सकते हैं कि जानवर का मैदा जो है वो ठीक है, जानवर की इनटेक जो खुराक की है क्या वो ठीक है। तो इसका गोबर जो है रेक्टम में माशाल्लाह फुल पार से मौजूद है, और दूसरे नंबर पे इसका गोबर की जो कंसिस्टेंसी है वो भी ठीक है। इसका मतलब ये हुआ
कि इसका जो कोई मसला भी है उसका ताल्लुक इसके मैदे और अंतड़ियों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, मैंने इसकी बच्चेदानी चेक कर ली, इसके बच्चेदानी का मसला भी नहीं है, क्योंकि बच्चेदानी जो है इसकी तकरीबन ठीक है। मैंने एहतियातन ये चूँकि दोस्त तैयार की है, हम एहतियातन जानवर को जो है सिंगल शॉट लगा देते होते हैं, अब ये भी आपके सामने इसको रख देंगे, लेकिन ये इसका मसला नहीं है। अभी इसके मसले को आगे फाइंड आउट करते हैं, चेक करते हैं कि इसको से हमने दूध लेना कैसे है। एक चीज़ बता दूँ कि दूध लेना आर्ट है, ठीक है जी। जी डॉक्टर साहेब तशरीफ ले आए सर, या मेरे मालिक, इसका एक मसला तो था सर, इसको मंडी से आते ही ना इसको साड़ू हो गया था, ठीक हो गया। एक बात सामने आ गई ना, ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बता रहे हैं मंडी से आते ही इसको साड़ू हुआ था, क्योंकि मंडी में ना जी जानवरों को लगे होते हैं एकड़े, ठीक है जी, या दूध रोका गया होता है तो जानवरों को, फिर आपको पता है कि जानवरों के थनों में चावल डाले होते हैं, एल्फी लगाई होती है। अभी देखना ये है कि इसका साड़ू मुकम्मल तौर पर क्लियर हुआ है या नहीं। डॉक्टर साहब इधर लेके आए इधर, मुझे अभी भी शक पड़ रहा है कि पूरा साड़ू क्लियर नहीं हुआ, बाकी अभी सर्फ टेस्ट कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। बेटे इसकी जरा तुम पकड़े, आप ये दूसरा जानवर आ गया जनाब, ठीक है जी। अब इसको देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है, ये क्या कहती है हमें। सबसे पहले इसकी रेक्टम को देखा गया, अब ये जो है ना ये नॉर्मल नहीं है, इसकी रेक्टम से जो ये निकल रहा है ये नॉर्मल नहीं है, ना कंसिस्टेंसी नॉर्मल है, और जितना इसको खाना चाहिए उस तरह से ये खा भी नहीं रही, ठीक है। इसकी रेक्टम तकरीबन खाली है, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसका जो भी इलाज करना है, हम इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक को भी देखेंगे, उसको भी चेक करेंगे। अच्छा जी, अब देखते हैं जी इसकी बच्चेदानी। बेटे इसको जहाँ धक्का लगाओगे, इसको इधर धक्का दो या पूछ इधर फड़ा दो, पूछ इधर फड़ के धक्का लगाओ। या मेरे मालिक तेरा ये आसरे यार। अच्छा जी, इसकी बच्चेदानी जो है इसको चेक करते हैं क्या कहती है हमें। इसकी बच्चेदानी ख़राब ज़रूर है, लेकिन इतनी ख़राब नहीं है कि जनाब ये खाना पीना छोड़ दे या बाकी मामला हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बच्चेदानी का केस है हमारा नहीं है। डॉक्टर साहब हाँ जी, इसको रखनी है हाफ लीटर हाँ। और एक काम कीजिएगा डॉक्टर साहब, एक ना एक खाली सरेंज में ना डॉक्टर साहब 30 cc नवासीन पर लेना, 30 cc ओरिजिनल। मैं कहता हूँ ना 30 cc नवासीन कर ली लेना, क्या कहती है। एक चीज मुझे इस पे काम करना है, इसके मैदे पे काम करना है, क्योंकि इसका जो मैदा है वो पूरा परफॉर्म नहीं कर रहा। बेटे साफ करो, याद रखिएगा कि जो शेख बरादरी है ना हमारी, वो अक्सर एक बात कहते होते हैं कि कभी गीली चीज़ का और सांस वाली चीज़ का काम ना करो, वो लोग इससे घबराते हैं। हमने ये मकूला बड़ी दफ़ा सुना है, तो सांस वाली चीज़ है ना इसका एतबार कोई नहीं होता। आज आप ठीक लेकर आए, कल किसी टाइम भी जानवर को कुछ भी मुतवक्के है। 30 cc डायरेक्ट या बाकी इससे फिल कर लूँ? दस सब बीच में फिल कर लें, फिल कर लें आप। तो ये जनाब अली इसको भी दवाई जा रही है, लो डॉक्टर साहब जान दो। ये चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी हैं। ये टाइम है जब जानवर को आप इस टाइम पे काबू कर लें तो ये रिस्पांस दे देंगे, ठीक है जी। इनको यहीं पे लटकाई रखें कि शायद दूध पे आ जाएगी, तो फिर ये गई जनाब, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि कुछ जानवरों को मैं एक रॉड रख रहा हूँ, कुछ जानवरों को मैं आधा लीटर या उसके आसपास दवाई रख रहा हूँ, तो ये डिपेंड करता है बच्चेदानी के साइज पे। अब चूंकि बच्चेदानी का साइज मैंने अंदर से हाथ से चेक कर लिया है, तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब को साइज दे के बता रहा हूँ कि आपने इसमें दवाई कितनी रखनी है, ठीक है जी। ये फिर मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि ये फैसला आपके डॉक्टर ने करना है। कई लोग बातचीत करते हैं, रब्ता करते हैं, दवाई रखनी है, कितनी रखें, कैसे रखें,
जब मैं कहता हूँ कि ये फैसला आपके डॉक्टर ने करना है, 99.998% फार्मर आए कहते हैं जी कि हमारे डॉक्टर को तो आता ही कुछ नहीं है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता, आप लोगों को अपने डॉक्टर्स पे एतमाद करना चाहिए, ये बात मैं बार बार कहता हूँ। एट दी एंड आपके लिए जो फर्स्ट लाइन जो है ना, आपकी जो डिफेंस है आपका, वो आपके डॉक्टर है, उनके उन पे एतमाद करें। ये जनाब हो गई, अब इसका भी सिर्फ टेस्ट करेंगे आपके सामने। ये तीसरा केस आ गया जी हमारे सामने, पकड़े इसकी दूँ। इस गाय को हमने इससे दूध लेना 25 किलो, ठीक है जी, अभी ये आई है 14 से 15 किलो पे। शहजादी को देखते हैं ये क्या कहती है हमें अंदर से, ठीक है। इसको आए हमारे पास 4 से 5 दिन हुए, ठीक है जी, तो इंतज़ार कोई नहीं करना, इससे पहले कि काम पड़ जाए इतना ही डॉक्टर आके देखिएगा। इसका गोबर देखें बेहतरीन क्वालिटी का है, कंसिस्टेंसी बेहतरीन है, गोबर बेहतरीन है। ये बता रहा है कि जनाब इसको मेदे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने पीने का कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अब देखते हैं इसकी बच्चेदानी क्या कहती है शहजादी हमें। अच्छा जी, बच्चेदानी इसकी जो है ऐसे है जैसे इसको बच्चा दिए तकरीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं अंदाजा है, ठीक है जी। डॉक्टर साहब हाफ लीटर, लेकिन अंदर से मुझे बच्चेदानी पकड़ के लग नहीं रहा कि ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो मुझे मेरे हिसाब से जो बच्चेदानी के रेलेवेंट प्रॉब्लम इसको भी नहीं है। हेलो, ये भी अंदर से तकरीबन जो है ओके है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, थोड़े ना थोड़े लो डॉक्टर साहब जान दो। अमूमी तौर पे मंडी में हम जब जानवर लेते हैं ना, तो एक बात हम अक्सर कर रहे होते हैं कि बंदा कोई दूध लेने वाला हो तो इतना दूध कर देगी, अक्सर सुना होगा आपने। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये गाय जो है ये अपने कमाल पे इतना कर देगी। देखिए गाय मैंने आज एक बंदे का मुझे तकरीबन है जुमे की नमाज के बाद मैसेज आया, तो वो मुझे कह रहा था जी कि मेरे पास वलैती गई है। सर एक मिनट ज़रा, वलैती गई है मैंने इंपोर्ट की है, ठीक है, उनका ये PPI है, ये ऐसे है, ये वैसे है, और वो कह रहे थे जी कि हमें बताया ये क्या था कि ये 40 लीटर दूध देंगी, 45 लीटर दूध देंगी, लेकिन मेरी जो फार्म की एवरेज है वो 20-21 से ऊपर नहीं आ रही। अब बात ये है फ्रीजियन गाय प्योर, वो जितनी मर्जी ढिली हो वो 25 लीटर से कम दूध नहीं देती, क्यों डॉक्टर साहब? इदा ही ऐसे ही ऐसे ही, जितनी मर्जी हल्की चाह के ले आओ। हाँ, अब गेम ये है कि फ्रीजियन पहले सुए में आपके पास 30 लीटर वाला पीस है, 35 लीटर वाला है, 40 लीटर वाला है, 50 लीटर वाला है। हमने ऐसे पीस भी देखे हैं जो पहले सुए 50 लीटर कर देते हैं। अब ये लेना आर्ट है, सिर्फ जानवर को यहाँ पे ला के खड़ा कर देना कि जी अब ये दूध दे देगा, नहीं सर, आपको मैनेजमेंट करनी होगी, खुराक देखनी होगी, काउ कंफर्ट पे काम करना होगा, और ये सारे मामला जो हम कर रहे हैं इन पे जो है ना आपको जोर देना होगा, ठीक है जी। अब मैं आपको कई जानवर दिखाता हूँ हमारे पास यहाँ पे खड़े हैं, और वो क्रॉस के जानवर हैं, 22-22, 24-25 लीटर भी दूध दे रहे हैं। अगस्त के अंदर हमने एक बंदे को 3 गायें दी थी डॉक्टर साहब चुवाई करा के, 28-28 लीटर दूध की मिल्किंग करवाई थी, अगस्त के महीने की बात कर रहा हूँ मैं। अगस्त बड़ा टफ महीना होता है, ठीक है जी, ये सारा क्रैड जाता है डॉक्टर साहब को, ये यहाँ पर जानवरों को देखते हैं, इनको मॉनिटर करते हैं, ठीक है जी। तो वो जो एंड वाली गाय है उसको मैं बाद में दवाई रख लूंगा क्योंकि उसका केस और है। डॉक्टर साहब जरा इनका SFMT कर ले, जरा बेटे लेकर आओ, जरा पैडल लेके आओ। अभी देखते हैं, जो बच्चे जाने का मसला मैं सस्पेक्ट कर रहा था वो तो नहीं है भाई, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि अब आइंदा से हम बच्चे दानी का ख्याल नहीं करेंगे, हम देखते हैं हमने करना क्या है। ये लाई तरफ, ये हमारे पास है जी 1 लीटर पानी, उसके अंदर 30 ग्राम सर्फ है, या आप 10 रुपए का साशे आता सर्फ का, वो 10-30 ग्राम का होता वो डाल दें, या 3 चमचियाँ जड़ियाँ लेना तुम ओदियाँ पा दो अपना सर्फ दियाँ। दूसरे नंबर पर ये है जी, जिसे पैडल कहते हैं, ठीक है जी, ये आपको किसी भी बाजार से मिल जाएगा, वेटनरी स्टोर से मिल जाएगा, इधर इधर लेके आए डॉक्टर साहब। ये आपने समझ लें कि ये जानवर की दुम है, ये पकड़ना बेटे, ये जानवर की दुम है, ये 2 पिछले थान है, ये 2 अगले थान है, इसमें
ये बैनी वाले दो थान, ये कबैनी वाले दो थान। अभी इसकी हम धारे मारेंगे, बेटे मारो जरा, ठीक है जी। धारे मारने के बाद हम इसमें सरफ डालेंगे और देखेंगे साड़ू तो नहीं, थोड़ा काबू करना पड़ रहा है। बेटे इधर आओ जरा, पुत्र इधर एनू उतो जफा पाओ तो नहीं लग तो फड़ रहा है। शाबाश, ये भी देख लें आपके सामने करने जा रहे हैं जी जी। शाबाश शाबाश बेटे, काबू रखो, बस ठीक है ठीक है बेटे। शाबाश शाबाश, दो लोग तीन तीन धारा मार रहे बेटे, ए बस काफी है काफी है, ठीक है जी। ये अगर आप ले लें अपने पास तो इसकी जरा आसानी रहती है। नाल मशीन भी लाई है बाद, उनकी मिल्किंग का टाइम भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं हो गया है, ठीक है जी। शाबाश 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 शाबाश, ले आओ जी ले आओ। अभी जितना ये दूध है इतना ही इसके अंदर सरफ वाला पानी डाल देंगे, ठीक है जी। ये जनाबे अली, अभी देखते हैं कि हमारे साथ ये क्या करती हैं। अब इसको हलाओ बेटे, घुमाओ रहा होर घुमाओ रहा, दस ठेक देखें कौन सा हुआ है। जैली किसी में बनी ना, देखें गौर ना देखो, मैं टैंक लगी गौर से देखें जैली बनी नहीं, ये सर्फ सर्फ के सर्फ पार्टिकल है, सर्फ पार्टिकल मेरा तो क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर भाई, क्लियर क्लियर है, क्लियर है। इसका अगर आपको समझना ना एक तरीका इसका और होता है, ये तरह सर इधर आ, इधर आप नीचे गिरा सकते हैं, ये दो थान यहाँ गिरा दिए, ठीक है, और ये दो थान यहाँ गिरा दिए, यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। तो ये ठीक नहीं है, बिल्कुल जैली नहीं बनी, तो क्लियर है भाई। इसको बेटे इसको साफ कर लो, साफ करो पानी से। अगले जानवर को चेक करने से पहले आपने, मुझे शक था इस स्थान पर, दरअसल लगीजिएगा ये तो मुझे शक था, लेकिन नहीं क्लियर है ये, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जानवर ना इसको बच्चेदानी का मसला, ना इसको मैदे का मसला, ना इसको मसला है जी उसका साड़ू का। अब ये जानवर जो है इंशाल्लाह अजीज आहिस्ता आहिस्ता दूध पे आ जाएगा, बेटे को फड़ोदरा यार, आहिस्ता आहिस्ता दूध पे आ जाएगा। बाज जानवर दूध पे आने में जरा टाइम ज्यादा लेते हैं, कुछ जानवर दूध पे जरा जल्दी आ जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे ये गाय दिखाए इधर है, ये गाय सामने खड़ी है ये वाली, इसको आएगा दो चार दिनों में ये 18-20 लीटर पे आ गई, ये होता है। इसी तरह एक गाय थी हमारे पास, उसने हमें पीक प्रोडक्शन दी 45 दिन पे जाके, ठीक है। तो ये जितना जो है ना ब्लड वेरी करता है, जेनेटिक्स वेरी करती है। लेकिन अब अगला जानवर आ गया जी हमारे पास, अब देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या करता है, क्या कहती है हमें। कर दे 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 कर दे, बेटे पकड़ो जी, लगा दो लगा दो, शाबाश शाबाश। चौथा भी कर दे लाले, लाओ जी लाओ लाओ लाओ। चलिए ले डॉक्टर साहब, हिलाया जरा इसको, हिलाने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। अगर ठीक हो जाए जैली बन जाए तो फिर ये साड़ू है, अगर ठीक ना हो जैली ना बने दूध रंगा पानी सा रह जाए तो फिर ये क्लियर है। देखने को ठीक हुआ, ये भी क्लियर है जनाब। अगला देख रहा हूँ बेटे, बेटे पानी से साफ कर लो। दूसरा जानवर भी क्लियर है, अब आ जाए तीसरा जानवर। इनको डॉक्टर साहब वो लगे हुए इमेज और जुड़ा सारा, ठीक है। ले जनाब तीसरा जानवर आ गया जी। डॉक्टर साहब इनको कैल्शियम देने के बाद कोई बेहतरी आई है इनमें? कैल्शियम और साथ में जो ग्लाइकोलिन है वो देने के बाद थोड़ी थोड़ी सी आई है, आ गई बेहतरी, ठीक है। ले आओ जी ले आओ ले आओ, ले
हिलाओ इधर चंगी तरह। हेलो है, है। ये इसको है, ये थान जो है ना, इसमें हल्की सी जेली बन गई है, ये वाला थान सर इधर है, ये इसमें हल्का सा साड़ू है, ठीक है जी। लेकिन ये भी टाइप वन है, फोर नहीं है, ठीक है, प्लस वन है। तो जनाब जो रिजल्ट हमारा निकला, इसको सिंगल पॉजिटिव मेस्टाइटिस, लेकिन इतना को बड़ा मसला नहीं है, उन दोनों को मेस्टाइटिस है ही नहीं है। अब यहाँ पर हुआ ये है, जो हम असेस कर रहे हैं, मेदे बिल्कुल ठीक, इसका दरअसल मैदा ख़राब है, ये सेकंड वाले का। इसको इंशाल्लाह हम मैदे के लिए ट्रीट करेंगे। जानवर जब आते हैं मंडी से, क्योंकि साइलेज पर नहीं लगे होते, वनडे पर नहीं लगे होते, दूध की पैदावार ज़्यादा होती है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में और हाइपोकैल्शियम में जाने के इनके इम्कान होते हैं। अगर आपके साथ भी वैसा प्रॉब्लम हो जाए, एक तो इनकी बच्चेदानी चेक करवाएँ, इनका साड़ू चेक करवाएँ, इनके मैदे चेक करें, अगर मैदा भी ठीक हो, साड़ू भी ना हो, और साथ साथ इनकी बच्चेदानी भी ठीक हो, तो सिंपल आपने जो है जानवर को ग्लाइकोलीन डेली बेसिस पे देना शुरू कर दें और जानवर की कैल्शियम थेरापी शुरू कर दें। जानवर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका दूध पे आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये आपको रूल आउट करना पड़ेगा। जो सेकंड जानवर हमारा है, जिसको मैंने कहा जिसका गोबर ठीक नहीं है, इसको इंशाल्लाह उल अजीज़ हम इसके फर्दर इसके टेस्ट करेंगे और एट दी एंड इसके लिए हम डिवाइस करेंगे हमने इसका क्या करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बोलिए और डॉक्टर साहब को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, 5 वक्त की नमाज़ 5 जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।